फ्रेंड्स, बट आज का अपना टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आपको जितने भी सब्सटेंस, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, सभी अपन केमिकल कॉम्बिनेशन से उसको ऑब्टेंड करते हैं। जैसे ही केमिकल कॉम्बिनेशंस ये वर्ड आपके सामने आएगा या फिर आपके माइंड में आएगा, तो एक चीज़ वहाँ पे दिखेगी आपको कि भैया उसके अंदर में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन किन के अंदर में होती है, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, बराबर है। ये तीन ही नाम आपको उसके अंदर में मिलेंगे, साथ में कुछ कैटलिस्ट होगा, ये सब उसके अंदर में होता है। तो जो भी है, तो ये जो लॉज है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रूल्स आपको पढ़ना है केमिकल कॉम्बिनेशंस के चलते। ठीक है, तो इसमें पहला जो लॉ आता है वो आता है बेटा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास। ठीक है, ये पहला लॉ आपको क्या करना है, इसके अंदर में पढ़ना है। अब ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास ये होता क्या है, जैसे कि लोअर क्लासेस में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट पढ़े हो, ठीक है ना, उसके अंदर में क्या पढ़े थे आप, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर है, ये पढ़े थे। सेम उसी के चलते ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास भी उसी के चलते आपको यहाँ पे बताया है। अब ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, ये जो लॉ आपको बताया है, ये बताया बेटा आपको फ्रेंच साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने, फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था अंतोन, ठीक है, क्या नाम था, अंतोन लवाजियर, क्या नाम था उसका, अंतोन लवाजियर। ठीक है, ये जो थे ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास बताया। ठीक है, साथ में ये जो साइंटिस्ट थे, कौन, अंतोन लवाजियर, ये थे बेटा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, इनको ये भी कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर, किनको, अंतोन लवाजिए को। और इन्होंने क्या बताया आपको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास बताया। ठीक है, अब इसके अंदर में होता क्या है, इन्होंने बताया क्या आपको, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, क्या बोला है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, क्या बताया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये किन्होंने बताया, अंतोन लवाजिए। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बराबर है। अब डिस्ट्रॉय और उसको अपन क्या बोलते थे, क्रिएटेड भी नहीं कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, यही लॉ आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट में भी पढ़ा था, सेम टू सेम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब जो आपको पता है रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस में टू साइड्स होती है, एरो के पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एरो के सामने राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उनको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उनको बेटा बोलते हैं अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लिया, 2 + 2 इट गिव्स अस, क्या मिलेगा मुझे दोनों का, एडिशन, मतलब क्या मिलेगा बेटा, 4, बराबर है। अगर ये सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे C+O2 इट गिव्स अस CO2, अगर ये मैंने एक रिएक्शंस ले लिया, ठीक है, C+ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का आपको ये चीज पता है, कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो आता है 12 और ऑक्सीजन का जो होता है एक 16, बराबर है, 16 × 2 कितना हो जाएगा, ये 34। अगर इनका अपन एडिशंस करें, ठीक है ना, इनका अगर क्या करें बेटा अपन एडिशंस करें, तो ये टोटल समथिंग जो भी आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा इसका, मान के चलो 34 और ये है, तो ये होगा आपका 46, बराबर है। तो ये जो 46 है ये क्या मिलेगा आपको, ये, ठीक है, नहीं 8 × 2 = 16 होगा, 16 और ये 32, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 44 ग्राम। ठीक है ना, इसका 8 है ना, 8 और 2 मतलब 16 2
32 और ये 12, तो टोटल हो जाएगा 44 ग्राम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा बेटा आपका कौन सा, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ मास। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या हुआ आपको पता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जितना रहेगा उतना ही अमाउंट आपको प्रोडक्ट के अंदर में मिलेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। गॉट इट। अब ये जो था, ये था आपका पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास। जो दूसरा है वो है बेटा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। ठीक है, इसमें देखिए लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन में होगा क्या। ठीक है, ये भी एक फ्रेंच केमिस्ट ने ही इसको बताया है। किसने बताया ये, फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट। ठीक है, या फिर प्रोस्ट भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, जोसेफ प्रोस्ट एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया। ठीक है, जब भी इन्होंने क्या बताया, लॉ के डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन है मतलब क्या बेटा कि इन्होंने कंपैरिजन किया। ठीक है, अब डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो फ्रेंच केमिस्ट जो इनका नाम था जोसेफ प्रोस्ट, इन्होंने क्या लिया, टू सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CuCO3। ठीक है, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट को अपन कॉपर कार्बोनेट भी ये नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है बात। तो उन्होंने क्या किया, टू सैंपल लिए किसके बेटा, क्यूप्रिक कार्बोनेट के। ठीक है, और टू सैंपल में जो था, तो पहला सैंपल था उनका नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट, नेचुरल CuCO3, और दूसरा जो था वो था सिंथेटिक CuCO3। ठीक है, दोनों उन्होंने क्या किया, एक सैंपल लिए। ठीक है, अब इस जब ये दोनों ने सैंपल लिया कौन सा, सेम सब्स्टिट्यूएंट का, एक नेचुरल था और एक सिंथेटिक था, तो इनके बीच में क्या किया उसने, कंपैरिजन किया कि भैया इसका अमाउंट चेक किया, इसका मास चेक किया, का वेट चेक किया, तब इसके अंदर में उनको मिला क्या। तो सब जब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर में उसका डिटेल्स में चेक किया, तब उनको एक नोटिस हुआ, अ गिवन कंपाउंड कौन सा कंपाउंड लिया उन्होंने, कि जो क्यूप्रिक कार्बोनेट का जिसके अंदर में एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, जब उन्होंने उनको चेक किया तो उनको मिला कि ऑलवेज कंटेन क्या, जब भी उनके पार्टिकल्स, उसके मास सब उन्होंने चेक किया, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स वेट। ठीक है, या फिर इट्स एलिमेंट ऑफ वेट, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ इट्स वेट, या फिर उसको अपन उसका मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने जो भी कंपाउंड्स लिए, सिंथेटिक जो था, नेचुरल जो भी था, उनका जो वेट लिया, तो एग्जांपल में उन्होंने क्या लिया, क्यूप्रिक एसिड लिया। ठीक है, एग्जांपल में क्यूप्रिक एसिड मतलब CuCO3। ठीक है, तो ये जब इन्होंने एग्जांपल लिया तो इनका क्या क्या बेटा, उन्होंने टैली किया। ठीक है, जब भी उन्होंने टैली किया तो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, क्यूप्रिक एसिड क्यूप्रिक एसिड कौन से लिए उन्होंने, एक नेचुरल और दूसरा लिया सिंथेटिक। ठीक है, अब क्यूप्रिक एसिड के अंदर में प्रोपोर्शन किसका किसका दिख रहा है आपको, CuO और C। ठीक है, तो क्यूप्रिक एसिड के अंदर में उन्होंने क्या लिया, कॉपर का परसेंटेज, बाद में ऑक्सीजन का परसेंटेज, और बाद में लिया कार्बन का परसेंटेज। ठीक है, जब भी उन्होंने उसका प्रोपोर्शन जब चेक किया तो उनको क्या मिला, जो कॉपर का प्रोपोर्शन है वो 51.35 मिला। जो भी ये जो कंपाउंड है ना, क्यूप्रिक कार्बोनेट या फिर कॉपर कार्बोनेट, तो ये मिला उनको 51.35। दूसरा जो मिला ऑक्सीजन का, वो मिला 74। और जो कार्बन का प्रोपोर्शन है वो मिला 38.91। ठीक है, जो नेचुरल में मिला, जब उन्होंने सिंथेटिक में चेक किया तो सिंथेटिक में भी सेम टू सेम मिला 51.35।
ऑक्सीजन का मिला 9.74 और सेम मिला 38.91। ठीक है, अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भैया जो प्रोपोर्शन होता है, जो भी अपन सब्सटेंस लेते हैं चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक हो, जो भी अपन प्रोपोर्शन वहाँ पे लेते हैं वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके टू लॉज। जैसा कि पहला था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इट मीन्स दैट केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंडर में लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, और दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।